थाना बहादुरगढ़ पुलिस और स्वाचीन द्वितीय ने ऑर्डर पर अवैध शस्त्र बनाने और एनसीआर क्षेत्र के जनपदों में सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर पुलिस मुठभेड़ में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 11 पिस्टल, 21 तमंचे, 8 तमंचे अटबने, 4 राइफल, 1 पौनी राइफल, 34 जिंदा कारतूस और साथ ही 4 खोखा कारतूस, भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण एवं अवैध शस्त्रों की सप्लाई करने में प्रयुक्त ब्रेजा कार बरामद की है। देखिए हापुड़ से संवाददाता सचिन सिंह की विशेष रिपोर्ट। थाना बहादुरगढ़ की टीम और एसओजी की टीम, इन दोनों ने मिलकर के एक गैंग का अनावरण किया है। ये गैंग अवैध असलों में डील करता है। ये सूचना पे हम लोग लगभग पिछले 1.5 महीने से लगे हुए थे। धीरे धीरे सूचना हम लोग गैदर कर रहे थे कि ये कौन सी टीम है जहाँ से हमें क्षेत्र में असला सप्लाई करने का कारोबार हो रहा है। बहादुरगढ़ में एक एजेंट के थ्रू हम लोग और भी ऊपर बढ़ पाए। बढ़ते बढ़ते एक चेन पूरी हमने गैदर की, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 4 में से एक एजेंट है जो यहाँ सप्लाई करता है, एक जो किंग पिन है नावेद, ये बुलंदशहर ज़िले का रहने वाला है। इसके अलावा 2 और लोग हैं जो मेरठ ज़िले में भी काम करते हैं और अपने यहाँ भी ये फैक्ट्री सेटअप करने की फिराक में थे। तो कुछ सामान यहाँ बरामद किया है और कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इनकी मेरठ में हैं स्थापित, वहाँ उसे भी सील किया गया। एक बड़ी फैक्ट्री जो कि बड़ी बड़ी मशीनें हैं जहाँ पर, उसे सील किया गया है। ये पूरा गैंग पिस्टल, तमंचे और राइफल, इन सभी में डील करता है। ऑन डिमांड ऑर्डर बनाए जाते हैं। टोटल रिकवरी हमारी 11 पिस्टल हैं, 21 तमंचे हैं, 4 राइफलें हैं, अटबने तमंचे भी हैं और जो सामग्रियां हैं बनाने की वो है और कारतूस हैं। ये जो पूरा गैंग है, इन्होंने बहुत सप्लाई किया है। जो इनसे पूछताछ पता चला है, हम उसको भी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। उनके हमने नाम पते लिखवाए हैं। अब इसमें से ये सूचना कितनी ऑथेंटिक नहीं है, ये तभी पता चलेगा जब हम इस पर और डिटेल काम करेंगे, घुस करके इस पूरे नेटवर्क को क्रैक करने के लिए हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और इसके लिए हम इन्हें इनाम भी दे रहे हैं। सर, बताया जा रहा है जो इसमें एक अभियुक्त है नवेद पठान, प्रगतिशील पार्टी से जुड़े हुए हैं वो। जी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है वो किस पार्टी जुड़े हुए हैं। मैं ऑफिशियल मैं आपको कोई वर्जन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें उसका हाथ है और एक सरगना की तरह वो इसमें एक्ट कर रहा था। जितनी हथियार बरामद किए गए हैं तो कहाँ कहाँ हथियार सप्लाई होते थे? देखिए, ये जो हमारे क्षेत्र में, आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों में सप्लाई होता है, मेरठ, बुलंदशहर, नोएडा, गाज़ियाबाद, ये जो पूरा NCR क्षेत्र है, एज़ फार एज़ अलीगढ़, इनके तार जुड़े हुए हैं और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर की भी बातें आई हैं। पुष्टि कर पाना कि एग्जैक्टली कहाँ का इन्होंने बेचा है वो और पूछताछ करने के बाद पता चलेगा। वो पूरी लिस्ट बनेगी और उससे फिर हम रिकवरीज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो आपको जानकारी हम दे सकते हैं वो ये है कि ये लोग ये हथियार मेरठ और यहाँ दोनों मिलकर के बनाने की फिराक में थे। मेरठ में इनकी हेवी मशीनरी की एक पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई है और यहाँ पे वो सामान स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले मिड स्टेज में इनको नैप कर लिया गया है। इनकी गाड़ियों से इतने असले बरामद किए गए हैं। तो ये एक बड़ा गैंग है और ये बड़े कारनामे करता है। इसके लिए हम लोग और भी प्रयासरत हैं कि विवेचना करके और भी नाम निकाले जाएं। थैंक यू सर।